कमलनाथ सरकार को गिराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपचुनाव में अपनी ताकत का एहसास कराकर उन लोगों का मुंह बंद कर दिया जो कहते थे कि बीजेपी में जाकर सिंधिया खत्म हो जाएंगे। उपचुनावों के परिणाम ने न सिर्फ शिवराज सरकार को स्थायित्व दिया बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी कद बढ़ा दिया। उनकी सफलता के बाद माना जा रहा है कि उनका इंतजार खत्म होने वाला है। जल्दी ही होने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में सिंधिया को जगह मिलना तय है। केवल 22 सदस्यों के साथ सरकार चला रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी ही अपनी कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री कभी भी विस्तार की घोषणा कर सकते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुए राजनीतिक घटनाक्रम में फिर राजस्थान में हुई राजनीतिक उठापटक, बिहार चुनाव, फिर 11 राज्यों में उपचुनाव, ऐसे कई कारण जिसके कारण प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। लेकिन अब राजनीतिक उथल पुथल शांत हो गई है। कोरोना का संक्रमण भी नियंत्रण में दिखाई दे रहा है तो माना जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। दरअसल मोदी मंत्रिमंडल में अभी मात्र 22 मंत्री हैं। वजह यह है कि कुछ सदस्यों ने मतभेद के चलते अपनी पार्टी के निर्देश पर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इनमें अकाली दल बादल की हरसिमरत कौर, शिवसेना के अरविंद सावंत शामिल हैं, जबकि लोजपा के अध्यक्ष रामविलास पासवान के निधन के कारण सीट खाली हुई है। सीट खाली होने पर असर यह है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 4 मंत्रालय, पीयूष गोयल और प्रकाश जावड़ेकर 3-3 मंत्रालय संभाले हुए हैं। कुछ और मंत्री भी हैं जो ओवरलोड हैं। इसलिए माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए सदस्यों को शामिल कर मंत्रियों का लोड कम कर सकते हैं। वहीं कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं, जबकि कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। पीएम ने पिछले दिनों मंत्रियों से उनके कामकाज का प्रेजेंटेशन लिया था। उस आधार पर जिस मंत्री का परफॉर्मेंस पीएम के हिसाब से अप टू द मार्क नहीं होगा, उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हालांकि मंत्रिमंडल में किस किस को जगह मिलेगी अभी ये नाम तय नहीं है, लेकिन एक नाम तय माना जा रहा है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। इसके पीछे दो खास वजह है। एक वजह मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराते समय किए गए कमिटमेंट, जिसमें सिंधिया को राज्यसभा भेजना और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना था, जिसमें एक पूरा हो चुका है और अब दूसरे की बारी है। हालांकि सिंधिया ने हमेशा किसी भी तरह की डील से इनकार किया है। मध्य प्रदेश उपचुनाव में 19 सीटों की इस जीत के साथ जहां शिवराज सरकार को स्थायित्व मिला, वहीं सिंधिया का कद भी बढ़ा। इसलिए माना जा रहा है कि नाम के तौर पर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। बहरहाल अब देखना यह है कि किस सांसद की लॉटरी लगती है और किस मंत्री को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।